सो है गाइस, कैसे हो आप सब। जैसे कि गाइस, आज हम बनाने वाले हैं होममेड 1 पाउंड का फ्लावर केक। जैसे कि गाइस, इस केक के ऊपर जो भी फ्लावर यूज़ किए गए हैं, इसको आप बनाने के लिए ऊपर आपको एक नोज़ल दिख रहा है, इसी नोज़ल का ज़रूरत होगा। एंड गाइस, मेरे पास ये बहुत सारा कमेंट ये आ रहा था कि इस नोज़ल से हमको फ्लावर बनाना नहीं आ रहा, या गाइस इस नोज़ल से फ्लावर नहीं बन रहा। तो गाइस चलो, आज हम देखते हैं इस नोज़ल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, या गाइस इस नोज़ल से हम कैसे फ्लावर बना सकते हैं। तो गाइस चलो, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, मेरा आइसिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी गाइस, इसको डिज़ाइन करने के लिए मैं पहले व्हाइट क्रीम लूँगा। एंड गाइस, वही डाइस, जैसे गाइस देख सकते हो, इसी डाइस से हम इस केक को डिज़ाइन करेंगे। तो गाइस चलो, जल्दी से मैं बटर पेपर से एक पाइपिंग बना लेता हूँ। एंड इस डाइस को इन करने के बाद, इसी क्रीम पे गाइस मैं 3 कलर यूज़ करने वाला हूँ, जैसे कि रोजबेरी कलर, पिंक एंड येलो। ये तीनों कलर से मेंशन ये फ्लावर बनेगा, ताकि दिखने में बहुत अमेजिंग लगेगा, इसलिए मैंने 3 कलर यूज़ किया है। तो गाइस जैसे कि देख सकते हो, मेरा पाइपिंग बनके रेडी हो गया। अभी गाइस मैं इस पाइपिंग से कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। गाइस आप ध्यान से देखना, जैसे कि ये केक है और ये नोजल है, थोड़ा गैप रख के हम कुछ प्रेशर करेंगे इस तरीके से। डायरेक्ट केक पे लगा के आपको प्रेशर नहीं करना, केक के थोड़ा ऊपर ये नोजल रखना है एंड ज़ोर से प्रेशर करना है, तो गाइस ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। जैसे कि गाइस आप देख सकते हो, साइड के ओर में कुछ इस तरीके से इस पाइपिंग को कर दूंगा। जैसे गाइस आप देख सकते हो, अभी गाइस नीचे के ओर भी बॉर्डर जो है उस पर भी मैं ये फ्लावर यूज़ करूँगा कुछ इस तरीके से। जैसे कि गाइस आपको देख सकते हो, मैं कुछ इस तरीके से ये फ्लावर बना रहा हूँ। एंड गाइस मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, ये जो डिज़ाइन है ये आपको डायरेक्ट नहीं करना है। अगर केक पे डिज़ाइन करना है तो केक पे रख के प्रेशर मत करो, केक से थोड़ा ऊपर रखो नोजल को, उसके बाद प्रेशर करो, तब ये डिज़ाइन निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो गाइस ये बन गया है। अभी गाइस आपको मैं करीब से दिखा देता हूँ ये डिज़ाइन कैसे और कितना अच्छा बना है। एंड गाइस इस डिज़ाइन का अंदर का जो भी डिज़ाइन है वो भी अच्छे से दिख रहा है। तो गाइस आप गौर करना तो आपको दिख जाएगा, जैसे गाइस देख सकते हो। एंड गाइस इसका जो कलर है ये भी आई थिंक सो बहुत अच्छा लग रहा है, इस केक को बहुत बेटर बना रहा है। अभी गाइस मैं इस केक के ऊपर पत्ता यूज़ करूँगा। जैसे गाइस व्हाइट क्रीम के ऊपर मैं अक्सर ग्रीन लिक्विड जैसे यूज़ करता हूँ कलर वाला, उस लिक्विड को मैं यूज़ कर दूँगा। एंड गाइस पाइपिंग पे भरने के बाद मैं पत्ते के शेप्स पे कुछ इस तरीके से कट कर लूँगा। जैसे कि गाइस आप ध्यान से देखना, मैं सीजर से कुछ इस तरीके से कट कर लिया हूँ दोनों साइड से, है ना। तो गाइस जैसे कि पत्ता पाइपिंग बन के रेडी हो गया। अभी गाइस मैं सिंपली आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि देख सकते हो पत्ता कुछ इस तरीके से ड्यूअल कलर से निकलने वाला है। अभी गाइस ये जो छोटा छोटा फ्लावर बनाया है, इन फ्लावर्स के बीचों बीच में छोटा छोटा करके कुछ इस तरीके से आउटसाइड एंड इनसाइड में पत्ता बना दूंगा। जैसे गाइस मैं आपको और एक बात बता दूँ, ये जो पत्ता है इसको भी गाइस कटिंग करने के बाद गाइस इसका जस्ट आपको थोड़ा सा केक पे लगा के प्रेशर करना है। एंड गाइस मैं आपको बता दूँ, ये जो पत्ता वाला सिस्टम है इसको गाइस आप केक के थोड़ा ऊपर से प्रेशर मत करना, केक पर लगा के प्रेशर करना, तो ही गाइस ये पत्ता वाला शेप बहुत ही अच्छे से आएगा। जैसे ही गाइस देख सकते हो, नीचे भी कंप्लीट हो चुका है। अभी ऊपर इनसाइड मैं कुछ इस तरीके से पाइपिंग कर दूंगा। जैसे कि गाइस ये भी कंप्लीट हो चुका है। अभी गाइस फ्लावर्स के बीचों बीच में ब्लू स्प्रे यूज़ करूँगा, ताकि गाइस ये जो फ्लावर है ये और भी अच्छा लगे एंड काफ़ी निखर के आए एंड बहुत यूनिक लग रहा है ये केक, क्योंकि गाइस ये जो डाइस है वो कुछ अलग है, ये अदर्स फ्लावर्स से बहुत ज़्यादा अलग है। एंड गाइस मैं आपको बता दूँ, ये केक आप घर पर भी बना सकते हो,
बिल्कुल आसान तरीके से। क्योंकि गाइस ये जो केक फ्लावर है इसको बनाने के लिए हाथों की कोई भी बैलेंस की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि गाइस अक्सर रोज़ बनाने के टाइम हाथों का बैलेंस का बहुत ज़रूरत रखना पड़ता है, लेकिन गाइस ये बिल्कुल आसान तरीका है। तो गाइस फाइनली मेरा केक कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस आपको अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना हमारे चैनल को, क्योंकि गाइस यहाँ पे आपको बर्थडे केक से रिलेटेड वीडियो अक्सर मिलता रहता है। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, एंड गाइस कमेंट करके ज़रूर बोलना फ्लावर कैसे हुआ एंड आपको कैसा लगा। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही जल्द।